अब ये एक नई चीज है, मॉडलिटी। बेसिकली यूपीएससी इज एक्सपेक्टिंग यू टू बी अ मॉडल पर्सन। वो बेसिकली जो है वो मॉडल एटीट्यूड जो है वो डेवलप करना चाहती है लोगों के बीच में, एटलीस्ट उन लोगों के अंदर तो चाहती है कि मॉडलिटी हो जो यूपीएससी का एग्जाम देने आते हैं। तो इसलिए कभी भी वो ऐसी इमॉरल स्टेटमेंट को सही नहीं बोलेगी कभी भी, और कभी भी मॉरल स्टेटमेंट को गलत नहीं बोलेगी। तो इसलिए जैसे ये वाला क्वेश्चन, लेट्स से पहले हम लोग ये वाला क्वेश्चन देखते हैं, ये अच्छा क्वेश्चन, 2016 का क्वेश्चन है। ऑन विच ऑफ द फॉलोइंग यू कैन यू फाइंड द ब्यूरो ऑफ एनर्जी एफिशिएंसी स्टार लेबल? फर्स्ट सीलिंग फैन, सेकंड इलेक्ट्रिक गीजर्स, थर्ड इज ट्यूबलर फ्लोरोसेंट लैंप्स। अब ये चीजें नहीं पता होती हैं, इतना आइडिया नहीं होता कि कहाँ कहाँ पे होगा, तो कैसे इसको जो है वो निकाल सकते हैं हम लोग। इसमें अगर हम लोग इस लॉजिक से सोचें कि भाई जिस बंदे ने पेपर बनाया है, लेट्स से मतलब यूपीएससी ने बनाया है, उसने जो है वो ये थोड़ी एक्सपेक्ट करेगी कि अच्छा इसका आंसर जो है वो, लेट्स से मैं किसी एक चीज को एक्सक्लूड कर दूं, लेट्स से मैं लैम्प्स को हटा देता हूँ कि भाई लैम्प्स में जो है वो एनर्जी एफिशिएंसी वाला लेवल नहीं चाहिए, तो फिर जो है वो लोग, जो लोग पेपर देने आए वो वापस आएंगे, कहेंगे कि भाई जब गवर्नमेंट ही बोल रही है कि इसमें जो है वो लेवल की नीड नहीं है, हम क्यों लेवल यूज करें। बट गवर्नमेंट की पॉलिसी तो यही है ना कि एनर्जी एफिशिएंसी बढ़ाओ, लोगों को कॉन्शियस कर लो कि जो है वो आप जो है वो ऐसे इक्विपमेंट्स, ऐसे अप्लायंसेस यूज करो जो एनर्जी एफिशिएंट हो। तो ऐसी चीजों में गवर्नमेंट, ऐसी चीजों में यूपीएससी का जब होता है ना कि मॉरलिटी वाले क्वेश्चन आ जाए कि भाई ये गाइडलाइंस फॉलो होनी चाहिए, ये गाइडलाइंस किसको फॉलो करनी चाहिए, ये रूल्स किसको फॉलो करने चाहिए, तो उसमें ये होता है कि जनरली सब सही होता है, ठीक है वो, क्योंकि वो आप कंपलसरी वो नहीं बना सकती, बट एटलीस्ट इट एक्सपेक्ट्स कि भाई जो है वो तुम रूल्स एज अ सिटीजन, एज एनी एंटिटी, यू शुड फॉलो दोज रूल्स। तो उस लॉजिक से जब भी ऐसा मॉरल क्वेश्चन आते हैं ना, वो हमेशा उसमें सब स्टेटमेंट सही होती है। तो इस वजह से जैसे इसका आंसर होगा डी पार्ट, क्योंकि किसी एक में भी अगर हटा दिया तो इट इज सेंडिंग अ रॉन्ग सिग्नल कि ठीक है इस चीज में आपको एनर्जी एफिशिएंट होने की नीड नहीं है, इसमें तो आप एनर्जी उड़ा दो, इसमें आप जो है वो जितनी एनर्जी है सब कंज्यूम कर लो, बाकी में जो है वो आप बस बाकियों के लिए, इसके लिए नहीं है, ये कभी नहीं हो सकता। इस वजह से जो है वो ये डी पार्ट, इसका आंसर डी होगा। ऐसे ही अब ये वाला है 2017 का। इन इंडिया इट इज लीगली मैंडेटरी फॉर विच ऑफ द फॉलोइंग टू रिपोर्ट ऑन साइबर सिक्योरिटी इंसिडेंट, सर्विस प्रोवाइडर, डेटा सेंटर, बॉडी कॉर्पोरेट। तो वही वाला है कि साइबर सिक्योरिटी इतना बड़ा इशू बन चुका है, ऑब्वियसली इट एक्सपेक्ट्स कि भाई जो है वो सभी लोग वहां पे जो है वो उसको फॉलो करें, सभी लोग रिपोर्ट करें, पहले से उनके पास मैकेनिज्म होना चाहिए टू फाइट द साइबर सिक्योरिटी, टू एंश्योर साइबर सिक्योरिटी। तो किसी एक को भी एक्सक्लूड नहीं किया जा सकता अलग से, इस वजह से जो है वो उसको तीनों पार्ट होंगे इसके, तो डी पार्ट इसका भी होगा। तो ये आपको देखना पड़ेगा, मैं खुद जो है वो कोर्स में थोड़ा बताऊंगा, और वैसे भी आपको जब पीवाईक्यू आप खुद से भी देखो तो आपको ये देखना है कि जब भी मॉरल क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, जब भी ऐसी चीजें पूछी जा रही है जहाँ पे गवर्नमेंट के रूल्स के बारे में बात हुई, गाइडलाइंस के रिगार्डिंग बात हुई है, तो वहां पे किसी भी एक चीज को एक्सक्लूड करके वो ये नहीं चाहती कि गलत चीजों को प्रमोट किया जाए। तो इस तरीके से आप ऐसे क्वेश्चंस को निकाल सकते हो, अगर एक दो क्वेश्चन भी निकल गए तो आपका सिलेक्शन हो सकता है हो जाए।